हाय गाइज, मेरा नाम है तुषार और आपका स्वागत है सिनेमा अनबॉक्सिंग में। तो चलो आज हम एडिटिंग के बारे में बात करेंगे, स्काईफॉल के कुछ सीन के बारे में बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस सीन को देखो। इस सीन में जो एम का कैरेक्टर है उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसके हाथ से जो MI6 का डेटा लीक हो गया, उसकी वजह से बहुत सारे एजेंट मारे गए। और जो मेल कैरेक्टर दिख रहा है, जो गैरथ है, वो बोल रहा है एम को कि तुम तुम्हारा जॉब छोड़ दो। और इसके वजह से जो फ्रेमिंग में जो या इस सीन में जो पावर है वो गैरथ के पास ज़्यादा है। अब वही देखेंगे कि पावर शिफ्ट किस तरह से होता है। तो बेसिकली इस सीन की जो शुरुआत है वो इसी शॉट से होती है। और देखो जो कैरेक्टर की ब्लॉकिंग है, वहाँ से भी हमें ये बात पता चल रही है कि जो गैरथ के पास पावर ज़्यादा है, क्योंकि वो थोड़ा इंक्लाइन बैठा है, थोड़ा रेस्टिंग पोजीशन में है। और जो हमारी एम है वो भी स्ट्रेट बैठी है। तो इसकी वजह से जो पावर है उन दोनों के बीच में, वो पता चल रही है कि गैरथ के पास ज़्यादा है। आगे एडिटर दोनों को सिंगल सिंगल फ्रेमिंग में कट करता है, क्योंकि दोनों के जो विचार है, दोनों के जो थॉट्स है, वो अलग अलग है। गैरथ बोल रहा है कि तुम तुम्हारी जॉब छोड़ दो, और जो एम है वो बोल रही है कि मैं हमारी जॉब नहीं छोड़ूंगी। तो इसके वजह से जो शॉट्स है वो अलग अलग रखे हैं और उन दोनों के जो विचारों को अलग अलग फ्रेम देने की कोशिश की है। आगे जब गैरथ बोलता है कि तुम्हें तुम्हारी जॉब छोड़नी पड़ेगी, तब देखो गैरथ की जो पोजिशन है फ्रेम में वो ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ गैरथ पावर में है और जो एम का अपीयरेंस है उसी फ्रेम में वो बहुत कम है। पर लास्ट में जब एम बोलती है कि जब तक काम ख़त्म नहीं होता तब तक मैं ये जॉब नहीं छोड़ूंगी, तब देखो एम हमें फ्रेम में बहुत ज़्यादा दिखती है और जो गैरथ है वो बहुत कम दिखता है। तो पावर कैसे शिफ्ट हुई आपको पता चल गया होगा। तो चलो सेकेंड सीन के बारे में बात करते हैं। तो दूसरे सीन में जेम्स बॉन्ड क्यू से पहली बार मिलने जा रहा है। उसने इससे पहले कभी भी क्यू को नहीं देखा और वो दोनों एक म्यूजियम में मिलने जा रहे हैं। जब क्यू उसको मिलता है तब क्यू उसे एक गन सप्लाई करता है। तो वो गन उसे प्राइवेटली वो दे रहा है, चुपके से दे रहा है, क्योंकि वो पब्लिक प्लेस है। तो वो चुपके से जो प्राइवेटली दे रहा है वो विजुअली किस तरह से उन्होंने ट्रीट किया है वो देखते हैं। जब क्यू एंट्री करता है उस म्यूजियम में और जेम्स बॉन्ड के साथ आके बैठता है, तब एडिटर ने लॉन्ग शॉट में कट किया है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को जानते नहीं है। पर जैसे ही उनकी बातें शुरू होती है और वो दोनों एक दूसरे को जानने लगते हैं, वैसे एडिटर ने मिड लॉन्ग और क्लोजअप में कट करना शुरू करता है। आगे जब क्यू उसको गन देता है, वैसे एडिटर लो एंगल में कट करता है। इसके वजह से जो प्राइवेसी है उन दोनों के बीच वो गन देने की, वो और भी ज़्यादा एम्प्लीफाई होती है। इसकी वजह से आपको पता चलता है कि वो कितनी प्राइवेसी है वो गन देने में, या वो कितनी प्राइवेटली वो चीज़ दे रहा है छुपके से, वो ज़्यादा एम्प्लीफाई होता है। तो चलो तीसरे सीन के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली तीसरे सीन में जो सेवरीन का कैरेक्टर है, जो फीमेल कैरेक्टर है, वो बार में जेम्स बॉन्ड से मिलने के लिए आया है। अब जेम्स बॉन्ड उससे मिलेगा और वो बातें करेंगे। तो ये बेसिकली सीन है। तो इस सीन में जेम्स बॉन्ड सेवरीन को सेवरीन की ही सारी बातें बताता है कि वो कहाँ से है, वो अपने खुद से काम नहीं कर रही, और वो उसका जो बॉस है सेवरीन का, उससे धमकी देकर काम कर रहा है। तो ये बातें जैसे जैसे वो बताने लगता है, वैसे वैसे स्ट्रेस कैसे बढ़ने लगता है और किस तरह से कटिंग की है वो बात करते हैं। तो इस सीन की शुरुआत ही होती है इस्टेब्लिशिंग शॉट से, जहाँ हमें सेवरीन और जेम्स बॉन्ड दिखते हैं, जहाँ हमें पीछे दिखते हैं कि बॉडीगार्ड खड़े हैं। जैसे जैसे जेम्स बॉन्ड उसकी बातें करने लगता है, वैसे वैसे हम मिड लॉन्ग शॉट से क्लोजअप में आ जाते हैं और फ्रेम और टाइट होने लगती है, और इसकी वजह से जो स्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा बिल्ड होने लगता है। पर जैसे ही सेवरीन वहाँ से निकल जाती है, वैसे हम क्लोजअप से फिर से मिड लॉन्ग शॉट में आ जाते हैं और जो स्ट्रेस क्रिएट हुआ था वो रिलीज होता है। तो इस तरह से आप अपने सीन को बिल्ड कर सकते हो। तो आपने इन तीनों सीनों से क्या सीखा? तो पहले सीन से हमने ये सीखा कि अगर दोनों कैरेक्टर अपने एक दूसरे से सहमत नहीं है, एक दूसरे की बात से सहमत नहीं है, तो उनको अलग अलग फ्रेम में रख सकते हो, और जो पोजीशन है कैरेक्टर की वो भी थोड़े ही बदल कर, इंक्लाइन से या स्ट्रेट कर कैरेक्टर की जो पावर है वो शिफ्ट कर सकते हो। दूसरी बात, दूसरे सीन से हमने क्या सीखी कि जो
जैसे कैरेक्टर की नज़दीकियाँ बढ़ती जाती है वैसे वैसे आप कैरेक्टर को लॉन्ग शॉट से मिड लॉन्ग, मिड लॉन्ग से क्लोज में कट कर सकते हो, और एक प्राइवेसी वाली चीज़ दिखाने के लिए लो एंगल या इन जैसे शॉट का यूज़ कर सकते हो। तीसरे सीन से हमने ये सीखा कि कैरेक्टर में स्ट्रेस बढ़ते जा रहा हो तो आप मिड लॉन्ग से क्लोजअप में आ सकते हो, और जैसे ही स्ट्रेस रिलीज होता है तो आप क्लोजअप से फिर मिड लॉन्ग में आ सकते हो, इसकी वजह से फिर से स्ट्रेस रिलीज होगा। तो ये तीनों बातें हमने इन तीनों सीन से सीखी। आपको कुछ नया सीखना मिला हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या आपने कुछ नया नोटिस किया हो इन चीज़ों में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी आज के लिए इतना ही, बाय।